विकास एजुकेशन टू पॉइंट जीरो में स्वागत है। आइए डेली बेसिस पर जो हम श्रृंखला लिखाए सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखिए ये एनटीपीसी सीरीज 2 मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि 8% लाभ पर 13% हानि पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कांता 115.50 रुपया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जब कभी भी एक लाभ एक हानि दिया हुआ है तो झूठेगा, एक लाभ एक हानि तो झूठेगा, एक वृद्धि एक कम तो झूठेगा। तो ध्यान दीजिएगा यह अंतर दिया हुआ है 115.50। तो देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आएगा 100। नीचे में कितना आएगा यह पहले इसको छोड़ दीजिए। ये आपको दिया हुआ है अभी दिला हुआ है अंत। अब ये जो एक लाभ एक हानि है जब कभी एक लाभ एक हानि एक वृद्धि एक कमी तो झूठेगा। तो 13 8 हो जाएगा 21 और पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में आएगा 100। और निकालना है क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना तो 100 से 100 कैसे 300 काटेंगे 300 तीन से काटिए तो 3 3 9 3 8 24 और फिर हो जाएगा आपका 3 5 15 0। अब 7 से इसको काटिए, जब इसको 7 से काटेंगे तो 5 से कटेगा 5 7 35 0 यानी इसका रिजल्ट आएगा 550 रुपया। यही मेरा रियल से प्योर जो कि ऑप्शन बी नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जब कभी भी एक लाभ रहे एक हानि रहे तो अंतर में जुटेगा, एक प्रॉफिट एक लाभ अंतर में जुटेगा, एक वृद्धि एक कमी तो अंतर में जुटेगा। तो ध्यान दीजिएगा जब अपोजिट रहेगा तो अंतर में जुटेगा। तो अंतर की तुलना अंतर से निकालना था क्रय मूल्य तो 100 से मल्टीप्लाई, जब इसको हमने कैलकुलेशन किया तो आया 550 रुपया जो कि ऑप्शन बी में। अगर मेरा वीडियो पसंद पड़ता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और डेली बेसिस पर मेरा PYQ का वीडियो अपलोड होता जाए।